क्या तुम ठीक हो? अजीब पागल है, मुंह के बल गिरा है फिर भी स्माइल कर रहा है। अभी पकड़ना क्या हुआ? मेरा स्क्रंची कहाँ है? Hi, excuse me. I think ये आपका हाँ गिर गया था। Thank you. Excuse me, आप क्या मेरे साथ एक कप कॉफी पियेंगी प्लीज? क्या? यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, सिर्फ एक कप प्लीज। मैं कॉफी नहीं पीती। नहीं, मैं भी नहीं पीता, बट यहाँ नींबू पानी और लस्सी भी बहुत टेस्टी मिलती है, सिर्फ नो थैंक यू, सिर्फ एक कप प्लीज। ठीक है, अनोखी सोचकर बताएगी। कब तक बताएगी अनोखी सोचकर? अरे बोला ना, बता देगी। ऐसे डिसीजंस में टाइम लगता है। तो ठीक है, तो फिर मैं वेट कर लेता हूँ। ओ हेलो, अभी नहीं बताएगी, सोच कर बताएगी। बाय मिस्टर कॉफी, जाओ। तुम पागल है क्या? क्या बाद में बताएगी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कितना क्यूट है, वैसे भी तुझे कॉफी के लिए तो पूछ रहा है, कौन सा तुझे डेट पे ले जाने के लिए बोल रहा है? तू पागल है क्या? तू तो जानती है ना मैं चाहकर भी नहीं जा सकती। अरे चली जाना कॉफी पर। अब बस कर मेरी माँ और चल। किया था ना तुझे, अब देख कैसे पीछे ही पड़ गया। उफ़ो, प्यार तो नहीं हो गया इसे तुझसे? पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती रहती। मैं पागल हो गई हूँ? तू भी कम एक्साइटेड नहीं है? मैं एक्साइटेड? शक्ल देख अपनी, अंदर से तो बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से हैं। क्या करूं मैं, बढ़िया ही नौटंकी। चल जा सिमरन, जा पी ले अपनी कॉफी, जा ना। इतना फोर्स कर रही है तो चली जाती हूँ। मैं फोर्स कर रही हूँ नौटंकी, चल ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल चल। हाय। हाय। ये सब पीना है? वो मुझे पता नहीं था कि आपको क्या पसंद है। कॉफी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कॉफी आप प्लीज।
आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ, मैं पी रहा हूँ। थैंक्स कॉफी के लिए। आपको छोले कुलचे पसंद है? खट्टे तीखे मटके वाले छोले? एक सेकंड निधि। वन सेकंड। हाँ जी, नोकी कहाँ है? आयुष वो तो नोकी वापस घर चली गई। चली गई मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके घर से उसे कोई लेने आया था और जाने से पहले वो कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो सब तुम भूल जाओ। भूल जाओ मतलब? उसके फैमिली के बारे में जानोगे ना तो उससे मिलना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा करूंगा, बट प्लीज मुझे उसके घर ले चलो। आराम से चल। देख अपना मुंह मत खोलियो जब तक कुछ कहा ना जाए। क्या इतना डर क्यों रही है? चल ना। तुझे भूला ना ज्यादा स्मार्ट मत बन, और अनोखी दिखे ना तो बिल्कुल रिएक्ट मत करना वरना खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। तेज क्यों पक? वो उधर मत देख, उधर मत देख। ओए चुप चल, ऊपर मत देखना, नीचे चल चुपचाप। मार क्यों रहे इसे? मत देख, जितना बोला जाए उतना कर, समझा? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते, बैठ जा बैठ। अंकल वो अनोखी बता रही थी कि आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, ये आयुष भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दूर के कजिन है और छुट्टी पे घर आए थे तो अकाउंट में एकदम अव्वल है। मैंने सोचा कुछ दिनों की बात है तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। भाई एक बात बहुत साफ साफ बता दे कि आजकल लोग मुंह की बोली से ज्यादा बंदूक की बोली की भाषा समझते हैं। क्या बताएं, हमारा ईंट भट्टे का अपना काम है तो इसलिए हम लोग गुणा भाग के भाषा में जीरो है, जीरो पूरा। अब देख लो, इन सबको देख के तुमको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि हम लोग किस तरह का भाषा जानते हैं। ऐ जज्बाती जी भैया। अरे मारा कि ना मारा? अरे नहीं भैया जी, पर लत्ता डाले सड़े के। बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया। ए सुन इधर जी, ए लौंडे को ऊपर ले जा छत पे और सब फाइल खोल के दिखा दे, कल से काम पे आ जाओ। भैया जी वो ईंटों के दो ट्रक जो बोले थे ना। अरे वो सब देख लेंगे हम। ठीक है भाई। अरे तू टेंशन मत ले यार, ये सब देखने के बाद वो वापस नहीं आएगा। मैं क्या थी, पागल हो गई है क्या? इसे यहाँ से अभी के अभी निकाल, मुझे नहीं पता। सुन तुझे लगता है कि ये सब बंदूक और ये पापा देख लेंगे तो? तू समझ, उसकी फट जाएगी अभी, अगली बारी दिखाई नहीं देने वाला वो। ठीक है तू टेंशन मत ले, चल मैं चलती हूँ। वो
अंदर है क्या? हाँ, देख के चल। सॉरी सॉरी, जज्बाती हुआ। चल उठा सब और ऊपर है, बहुत काम करना तुझे। अरे चूहों की बदबू आ रही है, पहलवानों के नाक नहीं होते क्या यार? नाक भी होते हैं और हाथ भी। चूहे की तरह जब मसल कर फेंक देंगे ये लोग तुम्हें, तब समझ में आएगी बात। निकलो यहाँ से आयुष। मसल तो मेरी भी है, थोड़ी कम है लेकिन मेरी भी है। तुम्हें मजाक लग रहा है? ये कोई मजाक नहीं है, पापा तुम्हें मार डालेंगे। आयुष बात समझो और निकलो, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? ठीक है मैं चले जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे बाहर मिलोगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं मिल रही, मेरा घर से निकलना मना है वैसे भी। ठीक है मैं फिर यहीं बैठूंगा तुम्हारे पिताश्री का अकाउंटेंट बनके, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बात समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझा रही हूँ, जस्ट निकलो। तुम समझी थी जब तुम निकल गई थी? Did you understand? No. आयुष तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ। जिंदा रहोगे तब प्यार करोगे ना? फिलहाल जिंदा तो हूँ ना, और प्यार भी तो करता हूँ। तो जाओ मरो जाके, इतना ही मरने का शौक है तो मरो कहीं और जाके, यहाँ नहीं। अब निकलो अभी के अभी, मरो कहीं और जाकर। दिल का हारा हूं जान बचा ले कोई, प्यार का मारा हूं एक आस ही दे दे कोई, आखिरी ख्वाहिश तो नसीब भी देता है, एक दिन तुम्हारे साथ अकेले बिताने को मिल जाए तो खुशी से मर भी जाए कोई। बोलो ना कब मिलोगी? आयुष हम अकेले में नहीं मिल सकते, कल से मत आना प्लीज। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अनोखी मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, पापा आ जाएंगे तो तुम्हें मार देंगे, जस्ट गो। अनोखी मेरी बात तो सुनो। अनोखी आई लव यू, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहीं रहूं, तुम्हारे आसपास रहूं,
बस एक बार इस रिलेशनशिप के लिए हार कर दो, मैं यहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे पापा से पिटूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मना लूंगा। यार क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सीधा सीधा बोल दो यार, प्लीज। आई लव यू आयुष। Hmm.